अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज योर बॉय राहत अली। आई होप गाइस यू डूइंग वेल, वेलकम इन अदर व्लॉग। सो फाइनली आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान जीत गया भैया। पूरे पाकिस्तान की जबान पर बस एक ही नाम है, नसीम शाह, नसीम शाह, नसीम शाह। ऐसा क्या किया नसीम शाह ने? नसीम शाह ने जहाँ तक मैंने सुना था, मैंने ये सुना था कि लास्ट की दो बॉलों में दो छक्के मारे, लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि लास्ट ओवर की पहली दो बॉलों में दो छक्के मार दिए। मतलब छः बॉलों पे 11 रन चाहिए थे और उन्होंने, नसीम शाह ने दो छक्के मार दिए। सो इसलिए नसीम शाह बन गए भाई इस मैच की रौनक, जो कि T20 में, T20 एशिया कप T20 2022 का था, जिसमें पाकिस्तान भाई फाइनल में पहुंच गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंडिया भी बाहर हो गई, अफगानिस्तान भी बाहर हो गई, और इंडिया भी बाहर हो गई। इंडिया मतलब सबने बहुत मिस किया कि लास्ट मैच इंडिया के साथ होता तो बड़ा मजा आना था, टसल होनी थी। खैर, आप नसीम शाह के छक्के देख रहे हैं भाई, लास्ट बॉलों में दोनों यॉर्कर बॉलें आई और नसीम शाह ने उठा उठा के बाहर पे गए। खैर, आप दोबारा से छक्के चेक करें, खैर छक्के तो आप चेक कर लेंगे। उसके बाद इस मैच में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी, वो आपको नहीं पता गया, पता होगी अगर आपने मैच देखा होगा। हालांकि जब मैंने सुना कि पाकिस्तान जीत गया जब मैंने देखा कि हुआ गया, एक्चुअली अफगानिस्तान का बॉलर है फरीद को फेस कर रहा था आसिफ। फरीद ने जब बॉल करवाई, आसिफ ने छक्का मारा। आफ्टर दैट जब छक्का लग गया, उसके अगली बॉल पर भाई आसिफ अली आउट हो गए, कैच आउट हो गए, और उसने बॉलर आया उसके पास, आसिफ अली के पास आके उसने यूं किया, बिल्कुल करीब आ गया। मतलब कि ऐसे चिढ़ाने के लिए होता है कि मतलब छक्का मारा एक्सप्रेशन ऐसे। फारूकी ने आसिफ के कान में कुछ कहा था। आफ्टर दैट उसके बाद आसिफ को गुस्सा आया और आसिफ ने पहले यूं किया, फिर बल्ला दिखाया और यहाँ पर थोड़ी सी अनबन हो गई। यहाँ से थोड़ी सी मतलब सिचुएशन, फिर सब लोग आ गए, सब ने ख़त्म करवा दिया, मतलब कहानी सेट करवा दी। तो उसके बाद अब इन पे क्या जुर्माना वगैरह लगता है या ऐसे सीन होते रहते हैं मैच में, या बस दैट्स इट, मतलब इनफ, ख़त्म हो गया। तो ये सीन था। और कल हमने व्लॉग नहीं बनाया, कल इंडिया बाहर हो गई। 6 सितंबर था, 6 सितंबर इंडिया का डे ही नहीं है, इसलिए इंडिया कल हार गई 6 सितंबर। पहले 1964 और मतलब माजी, खैर उसको छोड़ो। और अभी मीम्स इतने अच्छे अच्छे आ रहे थे, मैं देख रहा था कि 130 का तो हम पेट्रोल नहीं देते, आप मैच लेने आ गए। मतलब मीम्स देख के भी बड़ा मज़ा आ रहा था। बाय द वे, हमने आज अपनी ग्रीन स्किन भी कर ली अपनी असेंबल, कैसा लग रहा है, कैसे शेष किया, खैर क्या छक्के मारे दोनों यार। दोनों छक्के जो थे वो स्ट्रेट के मारे हैं, सीधी सीधी बोले आई हैं, और यॉर्कर बोले इनको कह सकते हैं, क्योंकि हाँ जी यॉर्कर बोले कह सकते हैं, सीधी सीधी आई हैं और सीधे लगे हैं। दोनों जो छक्के हैं वो स्ट्रेट के गए हैं सीधे ही सीधा, मतलब के यॉर्कर बॉल या टास्क या फुल टास्क जो कि सीधी गई है और स्ट्रेट के दोनों छक्के लगे। नसीम शाह ने दो छक्के मारे, जो बॉलर था वो था भाई फारूकी। फारूकी को दो छक्के पड़े, लेकिन पहली दोनों बॉल पे दो छक्के पड़ गए फारूकी को, और बॉलिंग जो थी वो दोनों स्ट्रेट की थी। ये अपडेट है। खैर मज़ा आया मैच देख के, पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो, हम लोग पहुँच गए हैं भैया, हम फाइनल में पहुँच गए। अगर हम ये मैच हारते तो इसके बाद हमारे पास एक चांस था, हमें वो मैच खेलना था और जीत जाते, आफ्टर दैट हम फाइनल में पहुँच जाते, लेकिन अभी हम फाइनल में पहुँच गए। इसी के साथ राहत लिया रहेंगे, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फाइनल में मिलते हैं।